हम लोग मार्केट से जो पार्ट से लेके आ चुके हैं और हमारा पार्ट से जो यहाँ रख लिया गाड़ी पे, तो अब इसको लेके चलते हैं हल्द्वानी, क्योंकि हल्द्वानी में भी हमें कुछ काम है। तो यार सडनली एकदम से प्लान बन गया था, तो फिलहाल अभी हम लोग रुद्रपुर के मार्केट में हैं। आज भी आटा लगा के आ गई है अपने फेस में, दिखा दो आटा, दिखा दो इसका आटा, दिखा दो आटा पब्लिक को। तो यहाँ आज भी आटा लगा के आ गई है, लेकिन आज स्मार्ट लग रही है ना, आटा लगा के दिखा दो। तो हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक हो गया आप सभी लोगों का हमारी एक और नई वीडियो के साथ। एंड अभी मॉर्निंग हो चुकी है और आजकल मतलब ना इवनिंग हो जा रही है। सो आज मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था ब्लॉग शूट करने का, बट मैंने कहा चलो ब्लॉग शूट करना है वाली बात है, तो इसलिए मैंने ब्लॉग शूट कर लेता हूँ। मैंने कहा क्योंकि डेली ब्लॉग डालने हैं, तो इसी वजह से यार ब्लॉग शूट करना पड़ रहा है। बट नहीं तो मेरा बिल्कुल मन नहीं था आज ब्लॉग शूट करने का, क्योंकि मूड थोड़ा ठीक नहीं है। अभी मुझे थोड़ा देर बाद जो है रुद्रपुर जाना है, तो सडनली प्लान बना हमारा, ऐसा कुछ प्लान था नहीं, क्योंकि कुछ पार्ट्स है गाड़ी का जो एक्चुअली मैं पहले लेके आया हुआ था, तो वो चीज़ है उसने गलत दे दी। मैंने उसको बोला था कि मुझे चेक करके देना करके, बट फिर भी उसने कहा ठीक है करके मुझे वही चीज़ पकड़ा दी। बट 3 दिन से उसके बाद टामे काट रहा है कि यार आज भिजवा दूँगा कल भिजवा दूँगा, बट मुझे अब खुद ही जाना पड़ता है, क्योंकि सैटरडे मंडे को है जो वहाँ की मार्केट बंद रहती है ना, तो इस वजह से फिलहाल अभी मैं खुद ही जाऊँगा। तो फिलहाल तो अभी छत पे हूँ एंड भाई अभी आएगा तो देखते हैं। तो अभी फिलहाल मैं छत पे हूँ एंड यहाँ मम्मी है जो कपड़े उठा रही है। सो यहाँ पे देखिए मैंने झंडा लगाया हुआ है, बहुत मस्त लग रहा है ना एकदम से, और एक और लगाया हुआ है सो मैं आपको दिखाता हूँ। तो वो वाला मैंने वहाँ पर लगाया हुआ है अपने कूलर पर। सो यहाँ खड़ी है अपनी धरनो, वहाँ खड़ी है बाइक एंड साइकिल, सो छोटी की साइकिल है वो। तो देखो वहाँ पर भाई भी आया था कल हाथ था, तो उसने भी अपने घर पर लगा रखा है, क्योंकि कल रैली थी ना, आपने इससे पहले वाले ब्लॉग में देखा होगा मेरे पहले वाले ब्लॉग में। सो वहाँ नीचे पापा गए हुए हैं, पापा डल रहे क्योंकि प्लॉटिंग कटी हुई है, तो काफ़ी मस्त सा हो रहा, खुला खुला रहता है ना हमारे वहाँ को, बट ऐसा बहुत कम इनकेस मिलता होगा लोगों को खुला खुला, नहीं तो आजकल क्या हो गया ना सबका सब भर चुका है, तो फिर भी हमारे वहाँ को तो काफ़ी ज़्यादा खुला हुआ है देख सकते हैं। बट हमारे खेत में अभी मक्का बोल भाई को फ़ोन करता हूँ, तो देखो संजना और उसकी फ्रेंड दोनों चले गए, तो फ़ोन करता हूँ हम भी चलता हूँ। गाइस फिलहाल हम लोग आ गए नीचे, सो यहाँ खेल रहे हैं एंड वहाँ से हमारे गोलू भाई आ चुके हैं, थोड़ी देर बैठते हैं एंड तारों के शहर में। देखो तारी तार हो रही है ना सारी, और लेकिन सनसेट बहुत मस्त लग रहा है, देखो चक्कास एकदम, और नीचे मौसम भी बहुत मस्त सा। तो गाइस मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, वहाँ पे सामने देखियो उनके छत पे बंदर चढ़ चुका है, तो यहाँ भी अब बंदर आने लग गए हैं। जी आटा लगा के आ गई है अपने फेस में, दिखा दो आटा, दिखा दो इसका आटा, दिखा दो आटा पब्लिक को। तो यहाँ आज भी आटा लगा के आ गई है, लेकिन आज स्मार्ट लग रही है ना, आटा लगा के दिखा दो सरवा रही है, हाँ लगी चल रहा है, परेशान करने में लगा है बच्चों कह रहा है। बंदर तो वहाँ ऊपर बैठ गया बढ़िया करके, गोलू भाई का दोस्त है क्यों, ये हेलो भाई कर गया नहीं, या थप्पड़ थप्पड़ तो नहीं मार गया। तो यहाँ पे चल रहा है देखो पिड्डू, क्या कहते हैं इसको, अड्डू, तो यहाँ पे अड्डू चल रहा है इनका, अड्डू में पिड्डू। तो इसको अभी गोलू भाई भी खेलने वाले, एक टांग उठा के गोलू भाई भी एक टांग उठा के दौड़ने वाले हैं। तो गोलू भाई का उड्डू चल रहा है उड्डू, ये देखो ऐसे ला, हमने उड्डू डाला कि हमने ये टांग में यूं यूं करा, तो फिर ऐसे मेंढक की तरह छलांग लगाई, 1 2 3 4 5 है क्या था। तो अभी फिलहाल भाई आ चुका है एंड अब हम चलते हैं, क्योंकि टाइम काफी हो गया है, 8 बजे शॉप बंद हो जाएगी तो काम हो नहीं पाएगा, 1 घंटा सिर्फ हमारे पास, तो 40 मिनट सब पहुंच जाते हैं, तो चलते हैं और जल्दी से काम करते हैं। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं रुद्रपुर और अब अभी जा रहे हैं हम मार्केट के तरफ को। सो अंधेरा भी काफ़ी हो गया है, मतलब अंधेरा तो क्या लेट हो गई है, काफ़ी अंधेरा तो होना ही है। सो मतलब ऐसा है कि दुकान बंद ना हो जाएगा हमारे जाते जाते, क्योंकि काफ़ी लेट हो गए हम ऐसे ऑलरेडी एंड 8 बजे दुकान बंद हो जाती है। अभी हम रास्ते पर ही हैं, तो अभी हम आपका रोडवे चौराहा पहुँचेंगे आ रहे हैं, जस्ट मतलब भी थोड़ा पीछे ही है उससे, 1/2 किलोमीटर समथिंग। सो यहाँ से उससे भी आगे है वो शॉप, तो शॉप बंद ना हो जाए क्योंकि फिर हमारा खाली उद्धवपुर आने जाना हो जाएगा, तो इस वजह से काफ़ी मतलब हम स्पीड में भी जा रहे हैं, तो देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं और शॉप खुली है या नहीं है अभी ये भी पता नहीं, तो फिलहाल चलते हैं और पता करते हैं कि क्या है सीन आगे का।
वजह से पूरा का पूरा यहाँ ट्रैफिक पुलिस भी लगाई हुई है। सो रोड बन गया आई थिंक, इस वजह से रोड अभी ब्लॉक हुई है। तो अभी फिलहाल हम लोग पहुँच चुके हैं, वैसे मेन उधर पहुँच गए हैं बस स्टैंड के आसपास। तो यहाँ से तो थोड़ा सा ही है दुकान आगे, शॉप मतलब कि वर्कशॉप लाइन पे है ना शॉप, तो वहीं जाना है हमें। हर पार्ट से मार गया गाड़ी के बीच में, तो इसको जो एक्सचेंज करके लाना है क्योंकि वो गलत पार्ट्स दे दिया था उनने। तो उसके बाद से भी बोल रहे थे कि यार हाँ मैंने भिजवा दिया, कर दिया वो कर दिया, तो कह के ना एक हफ्ते से ऊपर हो गया। तो फिलहाल अब हमने कहा चलो यार फाइनल लास्ट में हम खुद ही चले जाते हैं, तो हम लोग खुद ही चेंज करने आ गए। पहुंच चुके हैं बट शॉप है जो बंद हो चुकी है, तो देखते हैं अभी कौन करते हैं खाते हैं करके। तो उसी के बाद जो है सामान लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। सो गाइस अभी फिलहाल हम लोग मार्केट से जो पार्ट्स लेके आ चुके हैं, और हमारा पार्ट्स है जो यहाँ रख लिया गाड़ी पे, तो अब इसको लेके चलते हैं हल्द्वानी, क्योंकि हल्द्वानी में भी हमें कुछ काम है। तो यार सडनली एकदम से प्लान बन गया था, तो फिलहाल अभी हम लोग रुद्रपुर के मार्केट पे हैं। तो मैं गाड़ी में बैठ लेता हूँ क्योंकि लेट भी हो रही है। तो यार हेलमेट भी ऐसा लेके आना पड़ा ACC सीमेंट वाला, क्योंकि मजबूरी हो गई थी, हेलमेट लाना ज़रूरी था, और इस वजह से अब इसको डाल लेते हैं फिर सर में ऐसे करके। तो फिलहाल चलते हैं घर की तरफ। तो गाइस ये है रुद्रपुर की मार्केट, तो अभी हम अब निकल रहे हैं घर की तरफ को, क्योंकि हमें सामान वगैरह जो हमने ले लिया है, और यहाँ से अंदर को है मार्केट, तो हम मेन ही निकल जाते हैं उधर को, क्योंकि अंदर जाके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमारा अंदर कोई काम नहीं है। तो हमने तो कर लिया वहाँ से जाके अपना पार्ट्स लेने से, जो एक्सचेंज हो गया है। तो अभी फिलहाल चलते हैं घर की तरफ क्योंकि लेट हो रही है, और अभी यार घर के जस्ट बगल में एक अगर घर के वजह से बगल में शादी है, तो यार रिसेप्शन है वहाँ, बारात जा रही है, तो वहाँ भी जाना है क्योंकि सभी लोग वहीं जा रहे हैं। तो इस वजह से भी लेट हो रही है क्योंकि सभी लोग जा रहे हैं, तो यार हमें भी जाना पड़ेगा। तो हम लोग फिलहाल अभी हाई थर्ड आए हैं एंड चौराहे पे, और काफ़ी मस्त से स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, और अभी हमें ज़्यादा होती थी, तो फिलहाल गाड़ियाँ भी बहुत बड़ी बड़ी चल रही हैं। तो हम पहुँच गए, फिलहाल अभी हम लोग आ चुके हैं वहाँ की तरफ से घर के दौरे अपने, तो आगे चलते हैं।
ही लेते हैं क्योंकि यार बहुत सब सकता है, अजीब सा हो गया तो आगे चलते हैं कोल्ड ड्रिंक लेते हैं। तो आज घर में भी चिकन बनाया, तो चिकन पैटी बना ली। फिलहाल तक हम पहुँच गए हैं आपका गन्ना सेंटर पे, तो यहाँ से चलता अंदर अंदर। तो गाइस फिलहाल अभी हमने स्प्राइट ले लिया है, तो इसको पी के थोड़ा लेते हैं इसका मजा। एंड भाई ड्राइव कर रहा है तो मैं तो पीछे बैठा हुआ हूँ, तो चलते हैं। और हम पहुँच चुके हैं अभी आपका कुम खेड़ा साइड पहुँचने वाले हैं, तो अभी अंदर वाली लोड से आ रहे हैं। तो फाइनली मैं घर पहुंच चुका हूँ। युवराज हमारा कह रहा है पीप पीप, किसी को टैक्सी चाहिए बोल दे एक बार, और एक बार बोल दे टैक्सी चाहिए किसी को, बोल एक बार यहाँ को देख के बोल बोल पीप पीप, किसी को टैक्सी चाहिए चाहिए। तू टैक्सी चला रहा है? हाँ। कहाँ है तेरी टैक्सी? ये मुन्नू गेट को लेके पहुंच गई है, ये स्टार्ट हो गया देखो। अबे छोड़ दे उसे। तो सो गाइस फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं घर, एंड काफी टाइम हो गया है। सो सभी लोग जो है ना पार्टी में चले गए, तो घर पे कोई नहीं है अभी क्योंकि जस्ट बगल पे ही पार्टी है। सो मैं भी वहीं की तरफ चलता हूँ भाई और मैं, क्योंकि भाई और मैं ही घर पे हैं और बाकी सभी लोग चले गए हैं। एंड आप लोगों को अगर मैं टाइम दिखाऊं, सो 9:11 हो चुका है, देखिए 9:11 हो गया। सो फिलहाल चलते हैं बिना देर करे क्योंकि लेट भी हो रही है। और आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करता हूं क्योंकि काफ़ी बड़ा हो चुका है, एंड वहां ब्लॉगिंग शूट तो हो नहीं पाएगी क्योंकि यार शादी पे जो है ना डीजे वगैरह की साउंड आ रही थी, तो कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। बट अभी परसों को जस्ट बगल पे ही है शादी और एक दिन, तो वहाँ का मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कुमाऊनी जो है शादी कैसे होती है, वो चीज़ आप लोगों को दिखाई जाएगी। सो मैं वो वाले ब्लॉग पे दिखाऊंगा नेक्स्ट जो बनाऊंगा। बट अभी आज वाले ब्लॉग में मैं नहीं दिखाऊंगा शादी क्योंकि आपको पता ना क्योंकि साउंड वगैरह आ जाती है, तो इसलिए बिल्कुल भी जो है शूट नहीं हो पाता है। तो इस वजह से ये ब्लॉग है जो मैं इसको यहीं एंड करता हूँ। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी नई नई वीडियोज लाते रहेंगे। एंड कोई भी नया देख रहा है वो भी सब्सक्राइब कर दे चैनल, तो आपके प्यार से ही हमारी जो है फैमिली और बड़ी होगी। सो आप लोग प्यार दिखाइए। फिलहाल आज का यही ब्लॉग एंड करते हैं, तो आप लोग एंजॉय करें वीडियो देख के। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, आज के इस ब्लॉग में। Bye-bye. It's about drive, it's about power. We stay hungry, we devour. Put in the work, put in the hours, and take what's ours.